हेलो ऑल वेलकम बैक टू दिस चैनल जो लोग इस चैनल से पहले से जुड़े हैं थैंक यू सो वेरी मच एंडर प्लीज टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बायोलॉजिकल फाउंडेशन ओके सो मेनली इन टूडेज टू डिस्कस अबाउट बायोलॉजिकल फाउंडेशन ओके सो लेट्स गेट इन टू दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ लाइफ बिगिनस ओके So, इस लेसन में हम देखेंगे कि कैसे लाइफ स्टार्ट होती है ओके अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ लाइफ बिगे बायोलॉजिकल फाउंडेशन सो लाइफ जो एक ह्यूमन लाइफ स्टार्ट होती है उसका बायोलॉजिकल फाउंडेशन कैसे होता है वो हम इस लेसन में आज के लेसन में कवर करेंगे ओके okay? सो so, हम स्टार्ट करते हैं हम पहले चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं फर्स्ट वन जेनेटिक फाउंडेशन सो जेनेटिक फाउंडेशन के अंदर क्या आएगा? क्रोमोजोमनल डिसबिलिटीज क्रोमोजोमनल एबनॉर्मलिटीज ओके सो फर्स्ट वन इज जेनेटिक फाउंडेशन ओके सो जो हम लोग होते हैं वो हम कैसे बने होते हैं इच वन ऑफ एस इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ यूनिट कॉल्ड सेल्स हम सेल से बने होते हैं जो हमारी बॉडी होती, हो, होती है वो सेल से बनी होती है सेल्स क्या होता है बेसिक फंक्शनिंग यूनिट होती है सेल ओके बेसिकली एक सोल्यूशन होता है दट फील्स ईच सेल एंड इनक्लोज बाय सेल में देखिए ये हम देख सकते हैं सेल ये एक सेल की इमेज है एंड ये जो है ये सेल मेंब्रेन है आउटर कवरिंग जो है वो सेल मेम्ब्रेन है और अंदर इसके एक न्यूक्लियस होता है सेल का न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं सो so ये एक सेल की इमेज हो गई ओके सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर साइटोप्लाज्म फिल होता है न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे कहते हैं क्रोमोजोम क्रोमोजोम क्या होते हैं स्टोर करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ओके okay?

एंड इस इमेज में आप देख सकते हैं क्रोमोजोम ये एक सिंगल क्रोमोजोम की इमेज है एंड ये क्रोमेटाइड है सो so, क्रोमेटाइड क्या होता है क्रोमेटाइड जो होता है वो क्रोमोजोम का हाफ आइडेंटिकल पार्ट होता है ओके okay, देखिए अगर हम इसे 20 से डिवाइड कर देंगे क्रोमेटाइड क्रोमोजोम को 20 से डिवाइड कर देंगे सो so ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स बन गए सो so, ये वाला जो पार्ट है वो क्रोमेटाइड है ओके क्लियर हो गया सो so, ये पार्ट क्लियर हो गया अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं अब हम देख लेते हैं कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरियस फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज सो ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं 23 फ्रॉम मदर एंड 23 फॉर फ्रॉम फादर सेल्फ ओके सो फीमेल का जो कंपोजिशन होता है फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोजोम्स होते हैं एक्स भी मदर से आता है एंड दूसरा एक्स जो होता है वो फादर से आता है एंड मेल में क्या होता है मेल में एक्स वाई होते हैं ओके एक्स फ्रॉम मदर्स मदर एंड वाई फ्रॉम फादर ओके एंड ईच मेंबर ऑफ अ पेयर करस्पॉन्ड्स टू द अदर इन साइज शेप एंड जेनेटिक फाउंडेशन With one chromosome inherited from the mother and the other from the father. Clear Cleorogia, okay? one chromosomes inherited from the mother and other from the father. If X uh, from mother and X from father inherited, so it becomes female. Okay, child became female. And agar X from mother and Y from father has been inherited, then the child became male. Okay, clear? The genetic कोड सो so, अब जेने, जेनेटिक कोड क्या होता है जैसा कि लास्ट स्लाइड्स में पता चला कि जो डीएनए होता है डीएनए इज अ अ लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल दैट लुक लाइक ट्विस्टेड सो डीएनए कुछ इस तरह दिखता है ये एक डबल मॉलिक्यूल होता है जो एक ट्विस्टेड लेडर की तरह दिखता है एंड जो डीएनए का ये पार्ट होता है एक सेगमेंट ये जीन होता है जीन

और ये क्रोमोजोम्स डीएनए के बने होते हैं एंड डीएनए के अंदर जीन होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ओके क्लियर हो गया और ये जीएनए का जो सॉरी जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो एक ट्विस्टेड लेडर की तरह होता है और ये जो डीएनए होता है वो प्रोटीन के बने होते हैं क्रोमोजोम्स प्रोटीन के बने होते हैं और मेनली क्या होता है एक सेल होती है हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं और क्रोमोजोम्स डीएनए से मिलके बने होते हैं और इन डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं सो so, क्लियर हो गया जेनेटिक कोड ओके okay. और एक फन फैक्ट जान लीजिए कि बिटवीन 98 एंड 99 परसेंट Of chimpanzees and human DNA is identical. So जो 98 से 99% तक human DNA is and chimpanzees के DNA is identical होते हैं, okay? So इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि uh, only a small portion of our heredity is responsible for for the trait that makes us human. So बहुत ही small portion हमारी heredity का है जो हमें human बनाता है, जो responsible है, हमारे ह्यूमन होने के पीछे ओके okay? सो so, ये किसने आ, की थी इसकी गिबंस एंड गिबंस ने ओके okay? सो so, इनके अकॉर्डिंग नाइंटी एट टू नाइंटी नाइन परसेंट ऑफ चिंपैनजीएनएज आइडेंटिकल ओके नेक्स्ट यूनिक फीचर ऑफ डीएनए इज दैट इट कैन ड्यूप्लीकेट इट्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस सो माइटोसिस के थ्रू ये अपने आप को ड्यूप्लीकेट कर देता है Uh, एक से दो दो से चार ऐसे वो डिवाइड हो जाते हैं ओके सो व्हाट इज माइटोसिस अभी यहाँ पे एक टर्म आया माइटोसिस हमें पता होना चाहिए कि माइटोसिस क्या है। अगर वो हो रहा है तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए ओके सो माइटोसिस क्या होता है द डिवीजन ऑफ अ सेल ऑफ द बॉडी दैट रिजल्ट इन टू सेल्स ओके ईच विद द सेम नंबर्स ऑफ क्रोमोजोम्स एज द ओरिजिनल सेल सो एक सेल से दो सेल से बनेगी जिसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होंगे ओके सो यहाँ देखिए मदर सेल से टू सेल्स बनी ओके टू क्रोमोजोम्स अब ये टू से टू डॉटर सेल्स बन जाएंगी सो so, यहां पे मदर सेल्स में भी मदर uh, सेल्स uh, में जितने क्रोमोजोम्स थे सेम टू डॉटर सेल्स में भी क्रोमोजोम्स हो गए सो so, दो से चार बन गए ओके सो ये हो गई माइटोसिस प्रोसेस

स्पर्म होता है उसे गैमिट्स बोलते हैं सेक्स सेल्स बोलते हैं ओके सो न्यू इंडिविजुअल आर क्रिएटेड व्हेन टू स्पेशल हाफ एज गैमिट्स एज अ रेगुलर बॉडी सेल ओके अगैमिट कंटेन्स ओनली 23 क्रोमोसोम्स, हाफ एज मैनी एज अ रेगुलर बॉडी सेल रेगुलर बॉडी सेल्स में होते हैं 46 सिक्स बट गैमिएट में होते हैं 23 थ्री क्रोमोजोम ट्वेंटी थ्री फ्रॉम मदर 23 फ्रॉम फादर गैमिएट्स गैमियर फॉर्म थ्रू अ सेल डिवीजन प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस वहां पे क्या हुआ था माइटोसिस यहाँ पे क्या हो रहा है मियोसिस ओके सो मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू गैमेट्स फॉर्म होते हैं व्हेन हाफ्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नॉर्मली प्रेजेंट इन बॉडी सेल ओके सो हम देखते हैं मियोसिस जब मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स स्पर्म एंड ओवा जब यूनाइट होते हैं फर्टिलाइजेशन होता है सो so इसका रिजल्ट से एक जाइगोट बनता है ओके एंड जाइगोट में अगेन 23 से 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं ओके okay? सो ट्वेंटी थ्री फ्रॉम मदर एंड ट्वेंटी थ्री फ्रॉम फादर सो टोटल फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम हो जाते हैं एक चाइल्ड के बॉडी में जाइगोट में ओके सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टिल देन कीप लर्निंग कीप स्टडिंग एंड प्लीज टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड हिट द बेल आईकॉन थैंक यू सो वेरी मच